वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है जीडी इंग्लिश में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए नाइन्थ क्लास का। ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो मैं इतना रटा देता हूँ कि आप लोग तो एग्जाम में सोचना ही नहीं पड़े, बल्कि बहुत आसान तरीके से सट दे आप लोग जवाब देकर आप लोग क्वेश्चन को हल कर सके। तो चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलते हैं वीडियो शुरू करने। प्लीज आंसर दीजिएगा। नाइन्थ क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। विलियन का सबसे प्रमुख गुण है। तो राइट आंसर होगा समांग होना। तो ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। रेत सूक्ष्म मकड़ों का जल में होना किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा निलंबन का। तो ले लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा जल में अलाव विलयन कौन है। तो राइट आंसर होगा स्टार्च। तो ले लेते हैं चौथा क्वेश्चन। द्विवांगी विलयन में कितने पदार्थ होते हैं। तो राइट आंसर होगा दो। तो ले लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। चीनी की विलयता में किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर होगा ताप कर्म। तो ले लेते हैं छठवां क्वेश्चन। चीनी का सूत्र बताना है। तो चीनी का सूत्र आप लोग का याद हो तो आप लोग कमेंट में कहकर जरूर भेज सकते हैं इस आंसर का। तो हम बताते रहें चीनी का सूत्र C12H22O11। तो ले लेते हैं सातवां क्वेश्चन। अब नमक और जल के वास्तविक विलयन के संदर्भ कौन सही है। नमक और जल के वास्तविक विलयन के संदर्भ कौन सही है। तो राइट आंसर होगा यह पाठ दर्शक और स्थाई होता है। यह पारदर्शक और स्थाई होता है। तो ले लेते हैं आठवां क्वेश्चन। जब तीर प्रकाश पुंज चाक तथा जल के निलंबन पर पड़ती है, उसे क्या कहते हैं या कर पड़ती है। जब तेज प्रकाश पुंज चाक तथा जल के निलंबन पर पड़ती है। तो राइट आंसर होगा निलंबन से होकर नहीं गुजर पाती। तो ले लेते हैं अब नौवां क्वेश्चन। स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध कौन वक्तव्य सही है। तो राइट आंसर होगा इसके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। तो ले लेते हैं दसवां क्वेश्चन। कौन टिंडल प्रदर्शित को प्रभाव करेगा।
तो राइट आंसर होगा स्टार्च का जलीय विलयन, स्टार्च का जलीय विलयन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये वीडियो पसंद आई तो भी लाइक कीजिए, ना भी पसंद आई तो भी लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।